की क्षमता निर्मित हो करना चाहता हूँ। इसी प्रणाली का उपयोग करते हुए निर्मित सिंचाई परियोजनाओं के अतिशय जल से अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र विकसित करने की दिशा में अग्रसर है। तो मैं कहना चाहूंगा लिंक परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 44,605 करोड़ बुंदेलखंड क्षेत्र के संचारी मंत्रियों को अपने इसमें क्यों रखना चाहते हैं। परियोजना के पूर्ण होने पर प्रदेश के 10 जिलों में 1,900 ग्रामों के 11,000 सिंचाई योजना के साथ साथ 41 की आबादी पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होगा। मध्य प्रदेश ने राजस्थान के साथ एमओयू कर पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के निर्माण की सुविधा की सहमति बनाई है। इस परियोजना के से प्रदेश में 10 जिलों में 4,00,000 हेक्टेयर नवीन सिंचाई क्षमता निर्मित होगी तथा पेयजल एवं उद्योग के लिए भी जल उपलब्ध होगा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के द्वारा मध्य प्रदेश को आवंटित 18 नर्मदा जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। नर्मदा घाटी की समस्त सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने के पर लगभग 28,41,111 हेक्टेयर सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण वर्ष 2024-25 में ₹15,000 का प्रावधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को अपने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र सिंचाई सुविधा बढ़ाने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेतों में जल आती फसल किसानों की आशाओं का मूल होती है। हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने उत्पादकता की लागत कम करने योग्य भाव दिलाने कृषि आधारित जोखिमों को कम करने तथा नुकसान की भरपाई करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसान परिवार अपने परिश्रम से देश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। उनके इस समर्पण के प्रति हमारी सरकार पूरी संवेदना सम्मान रखती है। कल के नए सवेरे हैं हम, धरती की संतान है हम, श्रम से हम तकदीर बदलते, मानवता के अभिमान है हम। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि पूरे देश में हमारा प्रदेश दलहन उत्पादन में प्रथम खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आपके वित्तीय बजट देश के किसानों के सफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2023 में प्रदेश का कुल उत्पादन 300,00,000 मेट्रिक टन रहा और रबी वर्ष 2023-24 में कुल उत्पादन 300,00,000 मेट्रिक टन अनुमानित है। भ्रष्टाचार बंद करो। श्री अन्न उत्पादन को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन गठित किया है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को न्याय दो, युवाओं को न्याय दो, युवाओं को न्याय दो, अतिरिक्त राशि युवाओं को न्याय दो, अन्य अनुसंधान के लिए युवाओं को न्याय दो, गुणवत्ता के परीक्षण एवं सुधार के लिए वित्तीय परीक्षण, प्रयोगशालाओं को कृषक उत्पादक संविधान एवं कृषि स्नातक उद्यमियों के माध्यम से संचालित करने का नवाचार किया जा रहा है। इससे एक और जहां कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर इन प्रयोगशालाओं से कृषि क्षेत्र में शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार भी उपलब्ध होगा। इस योजना में विगत वर्ष में बजट प्रावधान में 5 गुना वृद्धि करते हुए 2024-25 में 50 करोड़ का प्रावधान। 4,000 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ रही महिलाओं को। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के क्रम में जिला उज्जैन में सेना तथा ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 हेक्टेयर तक के भूमि धारकों को 5 हॉर्स पावर तक के विद्युत पंपों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति तथा अटल कृषि योजना अंतर्गत 10 हॉर्स पावर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी दी जा रही है। इस हेतु वर्ष 2024-25 में ₹11,63,000 का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सरकार द्वारा वर्ष में 6,000 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से ₹6,000 प्रतिवर्ष की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार दोनों योजनाओं के से प्रति वर्ष प्रति किसान ₹12,000 की सम्मान निधि लगभग 82,00,000 किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में ₹4,900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
घोटालों के अंदर जाएगा, कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त उपार्जन पर ₹125 प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस योजना में राशि का रूपये प्रावधान प्रस्तावित है। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री अंतर्गत खरीद 2023 में युवाओं की रबी एवं रबी 2023 96,000 कृषि बीमित है। 2024 में इस योजना के अंतर्गत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित कर विविध कृत फसलों की बाजार आधारित कराने तथा जलवायु आधारित अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। फसल विविधीकरण योजना अंतर्गत वर्ष 24-25 के बजट में ₹20 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। कई लोग बेगलाक की भर्ती के लिए किसानों को 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल बीमा योजना कराए जाने के उद्देश्य से बजट में ₹600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना से लगभग 32 लाख से अधिक कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को कम करने के लिए पर्यावरण पुनर्स्थापना जैसे लाभों के अलावा किसानों की आय बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। यह पद्धति मिट्टी की जैव विविधता में सुधार करने में मदद करती है। प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन एवं विस्तार के लिए वर्ष 2024-25 में ₹30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत 5,37,00,000 हितग्राहियों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अब तक लगभग 89 हितग्राहियों को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे हितग्राही जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं उन्हें राज्य सरकार की गैर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इन दोनों योजनाओं में वर्ष 2024-25 के लिए राशि ₹520 करोड़ का प्रावधान। सरकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने हेतु हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 23-24 में किसानों को ₹19,946 करोड़ का फसल ऋण भी वितरण किया गया है जो कि वर्ष 22-23 की तुलना में ₹1,490 करोड़ अधिक है। वर्ष 2024-25 में 23,000 करोड़ फसल ऋण वितरण का लक्ष्य है। पशुपालकों एवं गौ संवर्धकों के विकास एवं संरक्षण के लिए हमारी सरकार सदैव कृत संकल्पित रही है। पशुपालकों एवं गौ संवर्धन से संबंधित योजनाओं में पिछले वर्ष के बजट प्रावधान ₹335 करोड़ की तुलना में 224-25 में 76% वृद्धि करते हुए 590 करोड़। प्रदेश में नई 2023 से प्रारंभ 406 पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा अब तक 5,46,000 से अधिक पशुओं सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चलित पशु कल्याण सेवा योजना में ₹82 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से नवीन योजना मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित कर दूध उपार्जन दर के अतिरिक्त प्रति लीटर के मान से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना अंतर्गत प्रारंभिक रूप से 150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में कुल 2,190 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इन गौशालाओं में लगभग 3,00,000 गौ वंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में पशु आहार के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि प्रति गौ वंश प्रतिदिन ₹20 को दोगुना करके 40 किया जा रहा है। इस योजना में लगभग तीन गुना वृद्धि करते हुए 2024-25 के बजट में ₹200 करोड़ का प्रावधान ₹2024-25 में गोवंश रक्षा के रूप में भी मनाया जा रहा है। कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए उद्यानिकी सेक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के महत्वपूर्ण घटक जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विस्तार, संरक्षित खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन जैसी इकाइयों की स्थापना हेतु हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है जिससे सम्मानजनक जीव को उपार्जन के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। किसानों की आय में वृद्धि करने के में खाद्य प्रसंस्करण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जा रहा है।
सामान्यतः उद्योगों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता की तुलना में इन इकाइयों को डेढ़ गुना पूंजीगत सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 5 वर्षों तक मंडी शुल्क में 100% तथा विद्युत टैरिफ में ₹1 प्रति यूनिट की छूट भी दी जा रही है। प्रदेश में उपलब्ध 4,42,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 4,40,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत लाया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में 3,82,000 मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन तथा लगभग 215 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सिवनी जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का प्रथम पुरस्कार तथा बालाघाट जिले की सरस्वती मछुआ सहकारी समिति को मछुआ सहकारी समिति की श्रेणी में वित्तीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में ₹66,000 की तुलना में 23% अधिक है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन स्वास्थ्य मानव जीवन की सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश को निरंतर बढ़ा रही है। मैंने अपने पिछले भाषण में कहा था कि हमारी सरकार प्रदेश में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मापदंडों को लागू करेगी। सदन को अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इन मापदंडों के पालन की दिशा में हमारी सरकार ने 46,000 से अधिक नवीन पदों का सृजन किया। आगे जगदीश भाई 46,000 पद व्यापक पहुंचो, इसके लिए संस्थागत व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। हमारी सरकार चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ाने एवं चिकित्सा सुविधा को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने हेतु कृत संकल्पित है। प्रदेश में वर्ष 2003 में मात्र 5 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित थे। हमारी सरकार के अथक प्रयासों से वर्तमान में 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, तीन और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर नीमच एवं सिवनी में संचालित हो जाएंगे। इसके पश्चात आगामी 2 वर्षों में 8 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित करने के। क्या बात है, प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्तमान में 2,275 स्नातक स्तर की सीट तथा 1,262 स्नातकोत्तर स्तर की सीट उपलब्ध है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय में संचालन के उपलब्ध इन सीटों की संख्या में वृद्धि होगी तथा नवीन सीटों की संख्या स्नातक स्तर पर 1,560 हो जाएगी। हमारी सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टिगत रखते हुए आयुष्मान भारत योजना का दायरा और अधिक विस्तृत किया है। इस योजना अंतर्गत अब तक लगभग 1,08,00,000 परिवारों के 4,01,00,000 सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान इस गायों के लिए नवीन बेनिफिट पैकेज 2022 लागू किया गया है। पूर्व की 1,670 चिकित्सा प्रक्रियाओं को विस्तारित करते हुए अब 1,952 प्रक्रियाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में अब 1,000 से भी अधिक चिकित्सालयों को योजना के अंतर्गत संबद्ध किया गया है। इस योजना हेतु कुल राशि ₹1,381 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो 45% अधिक है। हमारी सरकार राज्य के नागरिकों की निशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयासरत है। निजी भागीदारी के माध्यम से वेट लीज मॉडल अंतर्गत जिला चिकित्सालय में 132 प्रकार की तथा हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 45 प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। धन्यवाद सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार दौरान हो जाने पर पार्थिव शरीर परिजनों को सम्मान सौंप कर घर तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा प्रारंभ की गई है। आयुष चिकित्सा पद्धति से उपचार की सुविधा को प्रदेश में विस्तारित किया जा रहा है। वर्ष 23-24 में 1,37,00,000 जनसंख्या का आयुष पद्धति से उपचार किया गया है। प्रदेश में बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम एवं मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सा प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश में 800
800 आयुष आयोग मंदिर का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 24-25 हेतु रुपये 21,144 करोड़ जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 34% अधिक है। क्या बात है, छा गई मोहन सरकार। महिला एवं बाल विकास, किसी भी परिवार समाज प्रदेश के प्रभावशाली व सर्वांगीण सरकार के अंदर भ्रष्टाचारी मंत्री बैठा है विश्वास सारंग। उपाय नहीं है, हमारी सरकार द्वारा कन्या रत्न की पहली किलकिरी से लेकर उनके संपूर्ण जीवन के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रतिपादित महिला सशक्तिकरण की प्राथमिकता से दृष्टिगत हमारी सरकार द्वारा गत 3 वर्ष में प्रारंभ की गई लाडली बहना योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। कई राज्य योजना को अंगीकृत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की सबसे बड़ी बेनिफिट ट्रांसफर डीबीडी योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ कर 48,03,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों के आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने की परिकल्पना को यह योजना साकार कर रही है। हमारे प्रदेश के नौनिहाल हमारे देश का सुनहरा भविष्य बनेंगे। हमारी सरकार इन नौनिहालों को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से पोषण की सुरक्षा एवं शिक्षा मुहैया करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अनुप्रेरणा से सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 11,706 केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नत किया जा रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में 217 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। प्रति वर्ष 2024-25 में आंगनवाड़ी केंद्रों में के भवन निर्माण के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं को गरिमाम पूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लाडली लक्ष्मी एवं लाडली बहना योजना से हमारी बहन बेटियां न केवल अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होंगी बल्कि बैंकिंग प्रणाली के से जुड़ने का अवसर पाकर उनमें वित्तीय जागरूकता का संचय भी हो रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त आत्मनिर्भर बनने, परिवार के निर्णय में उनकी सशक्त भूमिका और सामाजिक सम्मान में वृद्धि सरकार के प्रयासों को फलीभूत कर रही है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का भी परिणाम है कि प्रदेश में बाल विवाह में निरंतर कमी आ रही है और जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो गया है। बहुत बढ़िया, के लिए वर्ष 24 काम हो रहा है। ₹26,560 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 81% अधिक है। हमारी सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शासन के लगभग सभी विभागों में योजनाएं संचालित कर रही है जिसे जेंडर बजट के रूप में संकलित किया जाता है। वर्ष 24-25 में जेंडर बजट में 1,21,997 का प्रावधान है जो गत वर्ष 23-24 के प्रावधान 1,02,976 करोड़ के प्रावधान से 19,021 करोड़। क्या बात है, छा गए। शिक्षा अज्ञान का तिमिर मिटाकर ज्ञान का दीप जलाती है। सर्व संसाधन युक्त स्कूल बच्चों के संतुलित शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास की मजबूत नींव रखेगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ हमने सीएम राइज का सपना पूरा बुना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सीएम राइज विद्यालय नवीन भवन